कितने बज गए? 6 बज गए ना? नहीं, 6:15 हो गए। चलो गड़े जी, हो रहा है जय जय सिया राम। अरे इन्होंने ऐसे क्यों बना रखा है? पानी देखना था। दिख नहीं रहा वाटर तो। वो डर गए ना यार, लोगों ने ट्रांसपेरेंट बना देते उद गया है। कोई कोई उधर था ना, इन्होंने सोचा ट्रांसपेरेंट शीशे लगा देते तब भी क्या फर्क पड़ता दिखता तो उसे। और कहते वहां भी लगा दिया ना चंबल को। हां वो तो दोनों तरफ कवर कर। हां जैसे टर्न हुआ ना, मुझे लगा भी बन गया ये चुके हैं सांवरिया सेठ, कोई मंदिर है। मैं पहली बार बोल रहा हूँ इस ब्लॉग में, तो अभी हम उदयपुर जाएंगे इसके बाद, लेकिन पहले यहाँ पे आए हैं दर्शन करने। एक पार्ट का ब्लॉग होगा, पहला अपना डेस्टिनेशन यही है, चलते हैं फिर अंदर। गाइस ये थोड़ी लेवल 10 काव है, इसको देख कर डर सा लग रहा है। मेरी तरफ यार ये बाघ हो। अरे बहन जी क्या प्रॉब्लम है? मंदिर प्रवेश द्वार, नाइस स्टैचूज। तो गाइस अंदर नहीं जा सकते, यहीं तक का ही है, लेकिन ठंड बहुत हो रही है। आप फ्लोर पे नंगे पैर हूँ। ये एक स्टैचू जय,
और ये रहा मेन मंदिर सांवरिया जी प्राकट्य स्थल मंदिर। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन व्लॉगिंग हो पाएगी तो गाइस इतना भी प्रोहिबिटेड नहीं है रिकॉर्डिंग अंदर, देख सकते हो आप जैसा कि बहुत ही चमकीला है। जय सांवरिया से तो गाइस वो रही मेन मूर्तियाँ। बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप फर्स्ट टाइम आए हो? तो भाई यहाँ पे दो तीन कुछ और बना हुआ है, बहुत कुछ कृष्ण भगवान की बहुत सारी स्टोरी दे रखी है ऊपर प्रूफ। भगवान ने कहा जो मेरा सच्चा भक्त है वो फ्रेंड्स बनाएगा। भगवान अयोध्या आए थे ना, तो राम जी से हर कोई पहले मिलना चाहता, सब कहते थे मैं खास हूँ मैं खास हूँ, तो राम जी ने उतने ही रूप बनाए सबके। किंता है राजा हो आ रहा हूँ कहीं तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो बढ़ता ही जा रहा है। अब इतना आगे नहीं जा रहा मैं, पर यहाँ पे बहुत बहुत सारी बनी हुई है पेंटिंग्स, परशुराम जी, बलराम, राम दरबार, शिव दरबार, क्या क्या स्कल्पचर है सबके। गीता उपेश, गोवर्धन धारण, महारास लीला, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, विष्णु लक्ष्मी जी, नरसिंह अवतार, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, गायत्री माता, कितने सारे गॉड्स के बारे में, सूर्य भगवान, मीरा भाई और विराट अवतार। चलो फिर अब चलते हैं आगे, अपना क्लॉकवाइज मूवमेंट पूरा करते हैं। आगे थोड़े और है वो भी देखते हैं। दुर्गा जी, श्री गणेश, दो तीन और हैं यहाँ पे, किसी ना किसी भगवान के हैं। तो आगे चलते हैं अब, और हमने अपना पूरा कर लिया है राउंड। यहाँ पे और कुछ भगवान के बारे में कुछ ना कुछ स्टोरीज दे रखी है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है।
चलो फोटो सेशन भी चल रहा है तो, और वी आर बैक आउट। मतलब आज पूरा टेंपल विजिट होने वाले हैं, उदयपुर के टेंपल्स। भाई प्रसाद के बिना मंदिर का क्या मजा, प्रसाद लेने चलते हैं। भाई एलिफेंट तो प्रसाद मिल चुका है बहुत सारा, मैं भी लूंगा। तो गाइस हम निकल चुके हैं, बगली टेंपल जा रहे हैं, लेट्स गो। तो गाइस हम सेम मंदिर के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। मतलब इसमें कोई स्टोरी है कि इधर से मंदिर निकला था और फिर कहीं और स्थापित हुआ था, वहाँ जा रहे शायद हम। वो जो मैं वर्ड भूल गया क्या बोलते हैं। गाइस यहाँ पे 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये मंदिर तो बड़ा लग रहा है उससे कंपैरिजन में, लेकिन मंदिर से बहुत प्यारा था। और दोनों का ये जो मटेरियल है बाहर से स्टोन वो सेम सा ही लग रहा है। प्रवेश ये मुझे 1 किलोमीटर लगा, नहीं पता नहीं। गाइस एंटर हो चुके हैं, अब चलना है अपने को 1 किलोमीटर अभी मेन तक पहुंचने के लिए। यही यही बिल्डिंग्स में ही चलना है लगता है। ओह मेरे को लगा 1 किलोमीटर चलना है तो आ गया, तो ज़्यादा एग्जाजरेशन हो गया। हाँ पर इतना चलना है यहाँ से फिर वहाँ। ये बिल्डिंग का ऊपर का पार्ट तो कंस्ट्रक्शन में ही लग रहा है, कार्यालय है। तो मंदिर के गुंबद में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाकी सब तो बन गया। वाह क्या प्यारा गार्डन है, वहाँ गार्डन देखो। हाँ ये सब नहीं लाना गाइस मंदिर में। यहाँ पे मंदिर का वो है रत्नी का रथ भी है। ये भी सब कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ पे चीज़ें। जेब कतरों से सावधान, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स। हरे कृष्णा। कृपया मंदिर में गुलाल नहीं लाना। हो गया ओ चेकिंग काउंटर। तो गाइस यहाँ पे कुछ तो हो रहा है पर बहुत ही होलसम हो रहा है। वाह गिटार बजा रहे हैं, तो फॉर्नर ही लग रहे हैं लेकिन अच्छा लग रहा है बस। चलो गाइस मेन मंदिर में आ चुके हैं। तो गाइस मैं तो आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, उसके बाद मेरे को बंद करनी पड़ेगी। तो गाइस ये रहा मंदिर, अंदर से तो इंटीरियर तो गोल्ड का ही लग रहा है पूरा, मगर आपको मेन नहीं दिखा पाया। बस मेन की उन्होंने लेनी नहीं थी वीडियो, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी ले आना क्या, अंदर शिव जी
जय शिव जी। हाँ गाइस, यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको अगर एंगल आ जाता है तो। नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से क्या आर्किटेक्चर है इस बिल्डिंग का, नहीं आ रहा यहाँ से। गार्डन ओ गेट इतना बड़ा, और पेंटिंग यहाँ पर। पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स कितनी सारी है। मैंने लिए ना ये मंदिर तो सही में बहुत बड़ा है। ऐसी कोई स्टोरी है, वहाँ वो छोटे वाले से निकली थी मूर्तियाँ, फिर यहाँ पे स्थापित किया, तो बहुत ही बड़ा मंदिर है साइज में। और पेंटिंग्स इतना बड़ा गार्डन है यहाँ पे। बस बिल्कुल सामने आ चुके हैं, बिल्कुल सामने आ गए। यहाँ पे फोटो बहुत अच्छी आएगी। ओके गाइस, इट्स निकास टाइम, प्रवेश तो हो गया, निकास भी कर लेते हैं। तो गाइस, पोहे और चाय ब्रेक के बाद अब चलते हैं वापस अपनी जर्नी पे। तो गाइस, उदयपुर आ चुका है। नॉर्थ का ही लग रहा है एरिया। अभी जियोग्राफिकल रीजन है ना, ऐसी थे ना वो। नकली देख रहे थे तो खुद ही बात चल
सॉन्ग पुराना हो गया सर। तो गाइस मंदिर मंदिर के दर्शन करके अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पे, श्री श्री विलास होटल। यहाँ पे खाएंगे और फिर उदयपुर अब जाएंगे घूमने थोड़ा सा। अभी उदयपुर को क्रॉस करके आगे आए हैं, जगह का नाम था नदवाड़ा शायद, हाँ बोलिए हाँ नदवाड़ा। तो अब उसके बाद हम उदयपुर फिर से जाएंगे, वहाँ वहाँ के मंदिर भी जाएंगे। अभी तो होटल में आए हम, यहाँ पे खाएंगे खाना और यहाँ पे झूला भी है, झूला शॉट भी ले ही लो। बॉय तो गाइस खाना हो चुका है। तो गाइस अब हम बढ़ रहे हैं आगे नई जर्नी में, अब देखते हैं अगला कहाँ जाएंगे, मेरे को भी आइडिया नहीं अब तो। दिन ये नर नर दोबारा से निकलते हैं वहाँ पे अपने अंदर पार्किंग।